गुरदासपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिद्धू ने प्रचार की कमान संभाल ली है। सिद्धू अपनी सभाओं में शेरो शायरी और ठोको ताली जैसे जोशीले भाषणों से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील जाखड़ के लिए वोट मांग रहे हैं। सिद्धू से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश डांगी ने। मेरे साथ है पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू। गुरदासपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर सिद्धू अपने निराले और अनूठे अंदाज से जो है मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, सुनील जाखड़ को वोट देने की अपील कर रहे हैं। सर, आप जहां जाते हैं सभा में जो है कांग्रेस का माहौल एक अलग हो जाता है। देखो, सच्चाई की अपनी ताकत होती, सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं होता। हमारी स्टेज पर सच्चाई है, सरदारी है, खुददारी है, ईमानदारी है, और दूसरों की स्टेज के ऊपर दुराचारी है, बलात्कारी है, चिट्टा बेचने वाला, नशे बेचने वाला व्यापारी है और अत्याचारी है। इन लोगों ने लोकतंत्र को गुंडा तंत्र बना दिया था, डंडा तंत्र बना दिया था, भय की राजनीति की, सैकड़ों लोगों के ऊपर, लाखों लोगों के ऊपर मुकदमे डाले और पॉलिटिकल वेंडेटा से इन लोगों ने 10% सेवा की और 90% मेवा खाया। चाहे वो बसों से खाया, चाहे माइनिंग से खाया, चाहे केबल से खाया, मतलब हर तरह से इन्होंने दबा के पंजाब को लूटा और जिसने भी विरोध किया उसे डट के इन लोगों ने कूटा। सिद्धू जी, आप पर काफी भरोसा किया मतदाताओं ने कांग्रेस की जो है सूबे में सरकार चुनी, किस तरह उनके भरोसे और वादे को आप पूरा करें? देखिए, हमारा तो अभी ट्रेलर चला है मेरे भाई, 6 महीने तो लोग कहते हैं हनीमून पीरियड होता है, लेकिन हमारा हनीमून पीरियड नहीं था। हमने पॉलिसी बनाई है, 10 साल लोगों ने इनको चोरी के दिए तो हमें 10 महीने तो दो। कोई पाठशाला में एग्जाम देने जाता है तो पूरे 1 साल बाद पढ़ाई करके वो रिजल्ट लेता है, ठीक है। किसी के घर में शादी हो, खुशी हो, उसके घर में खुशी भी 1 साल बाद आती है। तो ये हमारा ट्रेलर ही चला है और ये कहते हैं भैया फिल्म खराब है। अरे अभी फिल्म तो चलने दो, थोड़ा सब्र करो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। इनको बरकत क्यों नहीं हुई, ये नंबर 3 पे क्यों आए? क्योंकि तालीम का जोर इतना, ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आया है सुखबीर बादल, तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं? तुम्हारी नीयत में खराबी थी। तुमने लोगों की सरकार को लोगों के वास्ते नहीं रखा, लोगों की सरकार को एक परिवार की निजी जायदाद बना दिया और हर पैसा स्टेट का तुमने अपनी जेबों में ठूंस लिया। तो क्या लगता है लोग जो है वोट ठोकेंगे कांग्रेस पे? लोग पूरी तरह से भरोसा करते हैं। ये शंखनाद होगा, नींव रखी जाएगी यहीं से कि पंजाब के लोग लोकसभा में भी, ये शंखनाद होगा, नींव रखी जाएगी यहीं से कि पंजाब के लोग लोकसभा में भी कांग्रेस को चाहते हैं। ये उसी की लड़ाई है, पार्टियों की साख दाव पे लगी हुई है, इज्जत दाव पे लगी हुई है, ये कोई छोटा मोटा इलेक्शन नहीं है। और सामने दो जो खिलाड़ी हैं उनके किरदार देख लो, हॉस्पिटल की तो सिक्योरिटी जब्त हो गई, आम आदमी पार्टी के जो 7 आदमी थे उनकी जब्त हो गई, 10 करोड़ रुपया इनके अस्पताल की सिक्योरिटी जब्त हुई है। तो आज यहाँ जाखड़ साहब का इनके साथ क्या मुकाबला, कोई है मुकाबला? 4 बार जीता हुआ MLA जिसकी आवाज पंजाब की आवाज है, और दूसरी तरफ जो 1800 बच्चे नहीं पढ़ा सका, जिसके माँ बाप, जिनके माँ बाप इनके पीछे बिजनेसमैन है, इनके ऊपर भी लंगा साहब की तरह रेप का मुकदमा पड़ा हुआ है। सो ये किरदार की लड़ाई है, ये विश्वास की लड़ाई है, गरीब की रोटी की लड़ाई है, और इसमें जीत कांग्रेस की होगी। तो ये थे सिद्धू साहब, जो जिनका कहना है कि ये पंजाब के मतदाताओं के हक की लड़ाई है और यकीनन एक बार फिर कांग्रेस जो है उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी। कैमरा पर्सन विनय यादव के साथ दिनेश डांगी, पठानकोट, पंजाब।